हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके अपकमिंग आईबीपीएस आरआरबी की जो एग्जाम्स हैं, पीओ हो, क्लर्क हो, सभी को टारगेट करके बनाया गया है। आजकल आप देख रहे हैं ट्रेंड बदल गया है, ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम्स में भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन प्री में आने लग गए। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें क्या है कि आपको उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। सर्टेन अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर टिक करना होता है। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लें, उसमें किन चीजों का ध्यान रखें। सिंप्लीफिकेशन में तो आपको जल्दी एक कैलकुलेशन करनी है, जितनी आप फास्ट करेंगे उतना ही आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि आंसर तो एग्जैक्ट निकलना है। अप्रोक्सीमेशन में एक्स्ट्रा विजिलेंसी की जरूरत है। अगर आप विजिलेंट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप गलती करके आए। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में दो तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे एक तो सबसे पहले तो आप क्या करें, ऑप्शंस को जरूर देख लें। ऑप्शंस में गैप कितना है, ऑप्शंस का जो गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना ज्यादा गैप होगा आप उतना ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले पाए। देन सेकंड है कि जब भी आप अप्रोक्सीमेशन, अगर दो तीन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है और उसमें अप्रोक्सीमेशन आप ले रहे हैं तो उसमें ट्राई करो कि वो डायल्यूट हो जाए। ट्राई टू डायल्यूट। डायल्यूट कैसे करोगे, जैसे एक दो चीजों को आप गुणा कर रहे हो, जैसे 9.9 इंटू 10.1, तो इस 10 को 10.1 को 10 की तरफ लाए तो 9.9 को आप 10 की तरफ ले गए, तो इसको बढ़ाया इसको घटाया तो अल्टीमेटली आपने डाइल्यूट कर लिया। मतलब इस तरह से करें। जब जोड़ बाकी में भी चार संख्याएं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसमें भी क्या करें, जैसे जिनको राउंड अप आप अपर साइड में कर रहे हो उसको आप नीचे की तरफ करो ताकि आपका जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो निल की तरफ जाए, तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करो। तीसरा एक विशेष ध्यान रखो, किस चीज को आप कर रहे हो उस पे बहुत डिपेंड करेगा। अब दो चीज है, मान लो 15 गुणा हो रहा है, ये हो रहा है 348 और अपॉन है मान लो 356। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, और ये किसी पर्टिकुलर आगे एक्स वाई जो भी कोई हो रहा है, अब आप किस चीज क्वेश्चन में बिल्कुल भी एनर्जी अगर नहीं भी लगाए, आप इसको आपस में कैंसिल आउट करके एक ही मान लें तो इसको 15 मान लें, क्योंकि ये जो आपने अप्रोक्सीमेशन किया ये 348/356 आप करेंगे तो ये 96.97 के आसपास आएगा, उसको आप 15 से गुना करना है तो 15 से आपको पता है कि थोड़ा सा कम आएगा, बट बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये संख्या किसी और से आपके न जुड़ रही है न घट रही है, तो आपका इंपैक्ट कहां गया, कहीं नहीं गया, बस वही पॉइंट्स में आपका रहा, तो आप इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत इसको 15 ही कर देंगे, इसको एक मान लेंगे कि भैया तो कैंसिल आउट हो गए, 15 हो गए। लेकिन अब यही संख्या ये होती कि 15 गुणा 348 और गुणा 356, अब आप जैसे इसको 15 गुणा इसको ऊपर की साइड जैसे कर लिया आपने 350 और इसको भी आपने इसको किया ऊपर, इसको नीचे की तरफ ले आए, जैसे इसको आपने 352 या 354 मान लो 55 कर लिया, तो इसका ये काफी बड़ा है। इस तरह के जब क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन में आप देखें कि बड़ी बड़ी संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऑप्शंस में गैप नहीं है ज्यादा, तो उस क्वेश्चन को ना करें, उससे बचें, उसमें गलत होने की संभावना ज्यादा है। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे हो, तो ये चीज देखें कि किसकी परसेंटेज है। अगर दो चीज देखिए आप, 9.9% ऑफ 10 की 9.9% है, आप इसको 10% ही जब इसकी एक है, अप्रोक्सीमेशन से इसके क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही अगर 9.9% ऑफ 10,000 है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको 10% करूं या और इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ अप्रोक्सीमेशन करूं, कुछ वैल्यू निकालूं, एडिशन सब्सट्रैक्शन और करूं क्या इसमें, क्योंकि हो सकता है आपके ऑप्शंस में उतना गैप नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जिस चीज को भी अप्रोक्सीमेट कर रहे हो उसका आंसर पे क्या असर पड़ रहा है। चलो सेशन शुरू करते हैं। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अप्रोक्सीमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अप्रोक्सीमेशन करते टाइम आप कितना विजिलेंट है, उसी पे आपका आंसर ट्राई करो डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको क्या डायरेक्शंस दी होती हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेट आपको नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये आपके ऑप्शंस, जैसे ये कोई चार पांच संख्याएं जोड़ बाकी गुना भाग आ गए और ये आपके ऑप्शंस आ गए। अब ऑप्शंस आपने देखे कि भाई नजदीक से नजदीक जो ऑप्शन है
वो भी उनमें भी जैसे 9 और 49 40 का फर्क है, तो मतलब 15 16 के आसपास की आपके पास गुंजाइश हुई। जब आपके पास जितना भी गैप है उसका आप आधा कर लिए, आधा से थोड़ी गुंजाइश आपके पास कम हुई। 2109 और 2149 अगर इन्हीं के बीच कोई संख्या है, अगर आपके पास 2129 आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि मैं 9 की तरफ जाऊं या 49 की तरफ जाऊं। उस केस में जैसे आपने जब अप्रोक्सीमेशन किया और थोड़ा सा ध्यान रखा कि मैंने अप्रोक्सीमेशन अपर साइड किया लोअर साइड किया, मेरा आंसर जो मैं निकाल रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू उससे कम आएगी या ज्यादा आएगी, तो आप तुरंत टिक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो अब 1458.45 है, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको 1458 कर लें क्योंकि इसका कहीं असर नहीं जा रहा। प्लस अब इसको 60 करोगे तो भी जोड़ बाकी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी, तो एक बार इसको 58 ही करो। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन करेंगे ना उस पर तो राउंड ऑफ कर लेंगे। ये 2065.23 को 2065 कर लो और भाग को गुणा करो, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेट 15.02 है इसको 15 मान लो। बहुत नेग्लिजेबल आप कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये -652 है, ये इस तरफ आपका प्लस का हो जाएगा, तो 652.793 को 653 की तरफ कर लो इज इक्वल टू एक्स मान। अब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15 और 56 15 3 45 115 15 18 120 138 के आसपास ये आ गया आपका। अब आप इनको जोड़ लीजिए। अब 14, अब मैं जैसे यहां तक जोड़ू 100 डिजिट तक, तो 14 और 1 15 15 और 6 21, तो 2100। और फिर 5 और 3 8, 5 13 एक डिजिट एक सिफर और लगी 130, और 8 8 16 16 3 19 इज इक्वल टू एक्स। अब 21 और 1 2200, 2249, तो 2249 के आसपास आप देख लीजिए 2249 राइट ही आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए 14.98 का स्क्वायर है प्लस 12.0 का स्क्वायर है माइनस 10.98 का स्क्वायर है प्लस क्वेश्चन मार्क है प्लस 95 भाग 0.5। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे आपको जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो ये आपको दिख रहा है कि 95 से भाग हो रहा है, ये 19 है। अब इसको लिखने में आप एनर्जी वेस्ट ना करें, आपको पता है कि ये मैं जो सोल्व करूंगा वही -19 यहाँ लिख लूंगा, 19 उसमें से घटना है। यहाँ आपने करेंगे तो क्या करेंगे, 14.98 को आप जैसे अपर साइड में कर लें 15 का स्क्वायर, और इसको भी कर लें 12.01 को लोअर साइड में कर लिया 12 का स्क्वायर, इसको 10.98 को 11 का स्क्वायर। इस तरह के में आप मान के चलिए कि वो भी आपको 10.98 का स्क्वायर आपसे कभी नहीं निकलवाना चाहेगा, तो उसको आप कंफर्म होकर राउंड ऑफ कर लें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में। और ये अगर मैं ये देखूं तो एक्स प्लस 95 और भाग को गुणा कर लिया है, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके, और ये हो गया 19। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये देखो 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इसके आप इसके दो तरीके हैं, इसको 225 करो, इसको 144 करो, इसको 121 करो, या 15 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इस तरह के क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी कितना आएगा, 15 में से 11 गया 4 और 15 और 11 हो गए 26 प्लस 144 और माइनस 19 ये है, तो 26 दो 52 और 52 का डबल 104, तो ये हो गया आपका 104 प्लस 144 और माइनस 19, तो 104 और 144 248, 248 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो कितने 229, आप 20 घटा लो, 248 में से 20 घटाओ 228 और एक वापिस जोड़ दो, तो 229 देख लो उसके आसपास 230, इसको टिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए 9.9% ऑफ 900 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 20% ऑफ 400.01 420 माइनस 10.18 25 10 30 21, तो गुंजाइश बहुत ज्यादा तो नहीं है, 18 और 21 आपके बड़े नजदीक है, लेकिन स्क्वायर है जो वैल्यू निकलेगी वो स्क्वायर होगी, जो भी अप्रोक्सीमेशन है वो स्क्वायर रूट होगा, मतलब डाइल्यूट की तरफ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपने जो भी कोई सर्टेन अप्रोक्सीमेशन से निकाली तो फिर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू क्वेश्चन मार्क की निकालोगे आप इसके ने कोई पावर होगी ना, पावर 2 होगी ना 1/2 होगी ना 1/3 ना क्यूब रूट ना क्यूब, तो इसमें जब आप एक्स करोगे तो जो अप्रोक्सीमेशन है उसको आप वापिस स्क्वायर करोगे, मतलब उसको बढ़ाओगे, और यहाँ क्या करोगे आप उसका अंडर स्क्वायर रूट निकालोगे, मतलब उसको घटाओगे अप्रोक्सीमेशन को, ये जरूर हमेशा ध्यान में रखना। तो इसमें कर सकते हैं 9.9% ऑफ 900 को आप 10% मान लीजिए, तो ये क्या होगा 10% ऑफ 900, तो 10% क्या होता है 1/10,
ऑफ 900, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 20% 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और इसको 400.0 को 400 मान लीजिए, और ये 420 माइनस 11। इसको तो आप 11 मानने में कोई आपकी हिचकिचाहट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी से भी ना गुणा हो रहा है ना भाग हो रहा है, आपने जो राउंड ऑफ किया वही इसका इंपैक्ट हुआ, वही खत्म हो गया बस। तो अब आप इसको अगर करें तो ये क्या हो गया 90 हो गया, ये करेंगे तो ये 80 हो गया, तो ये क्या हुआ 90 और माइनस 80, तो ये बचा प्लस का 10। ये इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 420 माइनस 11 और माइनस 10, तो ये 11 और 10 करीब करीब 400 हो गया, तो 400 हो गया, तो 20 20 400, एक्स स्क्वायर 400 है तो एक्स √400 मतलब करीब 20 के आसपास, तो 20 के आसपास देख लो, 20 21 आपका ज्यादा नजदीक। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये एक टाइप है और बार बार आती है, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क किसी बेस पे पावर के रूप में नजर आए तो आपको एक टारगेट लेना है उसके अंदर कि मैं इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब इसको मैं लेफ्ट हैंड में रखूंगा बाकी सबको राइट हैंड में ले जाऊंगा, और राइट हैंड में भी 7 की पावर में ही कन्वर्ट करूंगा। एक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर पावर बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं, और अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वेट किया जा सकता है, पावर अगर इक्वल है तो बेस इक्वेट किया जा सकता है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, इस पूरे का बेस इक्वल करेंगे, ये 7 के बेस पर है 6 की पावर माइनस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया 6 की पावर, तो अपन पूरे को इसको 7 की बेस पे ही पावर करेंगे और फिर पावर को इक्वेट कर लेंगे, यही तरीका है सिर्फ, वो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं अपने, 7 की पावर 6 माइनस एक्स मान लिया इसको अपन ने, गुणा 119, और ये भाग है इसको गुणा करो, ये आ गया आपका 1225 इज इक्वल टू 289, अंडर रूट 289 आपको पड़ा 17 17 289, तो 17 आ गया, डायरेक्ट 17 ही लिख लो इसको, 20.98 को 21 करो और इसको 7.03 को 7 कर लो, और इस भाग को गुणा करो और 3.0 को 3 कर लो, और फिर भाग को गुणा करो और 4.95 को 5 कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब 1225 किसका है, तो इसका अंदाजा लगाने, अगर आपको ध्यान है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको अंदाजा लगाने के लिए अपने क्या करें, भी आपको पता है 40 का 1600 है, 30 का 900 है, तो उसके बीच में ही है, तो 35 का देखिए, क्योंकि 35 वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ इसको आगे वाली संख्या से गुणा करना है, 3 को 4 से तो 12, और 5 5 25, 1225 और वो ही है, तो ये आपका 35 हो गया, तो ये क्या आ गया 7 6 की पावर माइनस एक्स इंटू 119 इंटू 1/35, और यहां इस तरफ है कुछ कटा क्या, अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका 7 बार कट गया, तो ऊपर यहां क्या बचा 17 गुणा 7 की पावर 2 हो गई, ऊपर 7 को अपने को रखना है क्योंकि अपने पूरा 7 के बेस पे बना रहे, तो 7 में आप आगे इनको गुणा या इनपे उठाव पटक मत करो, 5, अब 5 को मैं यहां से काटूं तो ये 7 बार कट गया, और 7 को एक काटूं तो ये 17 बार कट गया, और 17 और 17 कट गया, तो ये 7 की पावर 2 और इस तरफ 7 की पावर 6 की पावर माइनस, तो अब बेस दोनों इक्वल है, 7 की पावर 6 माइनस एक्स, और यहां होगी 7 की पावर 2, तो बेस दोनों का इक्वल हो गया, तो पावर को इक्वेट कर लो, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स को आप इस तरफ ले जाओ और 2 को इस तरफ ले आओ इज इक्वल टू 4, 4 यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है, मैंने तो इसको लंबा चौड़ा करके आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे नहीं, सीधा 119 है और इसको बटा करेंगे तो आपको पता है 1225 है तो ये इसका 35 है, 119/35 डायरेक्ट लिखेंगे या 17 21 ये लिखेंगे और तुरंत काट के 2 कर देंगे, सॉरी 4 कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है 9.09% ऑफ 11.11% ऑफ 2430 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है और डिवाइड हो रहा है अंडर रूट 289 से, और प्लस उसमें हो रहा है 4096 का क्यूब रूट है और उस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर
आप क्या करें सबसे पहले तो, एक तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करें तो एक एक चीज को सोल्व कर लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आपने एग्जाम में, मैं तो आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जब आप करें सबसे पहले इस चीज को सोल्व कर लें फटाफट एक तरफ, जैसे, और इसको एक तरफ कर लें। ये तो आपको दिख रहा है कि एक्स क्यूब बटा 17 का स्क्वायर 289 है, तो ये तो 17 है, एक्स क्यूब बटा 17 है। तो इन चीजों को आप अलग से कर ले ताकि लिखने में, इस पूरे को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। इस इंडिविजुअल को किया, इस इंडिविजुअल को किया और माइनस कर लिया। अब अपने सिस्टमेटिक अगर कहें तो 9.09% को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में करोगे तो 1/11, और ऑफ का मतलब गुणा, 11.11% क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/9, और गुणा ऑफ का गुणा हो गया 2430 हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू ये एक्स का क्यूब गुणा 1/√289 जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में लगे, और प्लस क्या हो रहा है, ये क्यूब रूट है कोई 4096 का और उस पूरे का स्क्वायर रूट। अब आप इसमें देखेंगे 1199, 1199 हो गया, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो आप इसको 25 मान सकते हैं भाई, 2430 है इसको 24.5 मान लो भले ही भाई, 1199 है, आपने 1% से इसको बढ़ाया, इसको मैं 100 मान लेता हूं, तो 1% का एनहेंसमेंट किया, 1% का अगर इसमें करोगे तो ये 2450 हो गया, 2450/100 तो 2450, तो ये 24.5, तो 24 कर लो या 25 कर लो, इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको मैंने 24 कर लिया, चलो इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया 289 का स्क्वायर रूट, तो ये तो आपको ध्यान होगा 17 17 289, तो ये 17 हो गया प्लस। अब इस संख्या को थोड़ा ध्यान से देखिए, 4096 का क्यूब रूट कई बार पूछ लिया, तो 4096 क्या है अगर आप इसको देखेंगे तो ये 64 × 64 जो है वो 4096 है, 64 64। अब 64 64 को आप आगे क्या लिख सकते हो, 4 × 16, और इसको भी लिख सकते हो 4 × 16। अगर इन 4 और 4 को मैं 16 और कर लूं तो ये हो गया 16 का क्यूब, तो ये 16 का क्यूब और उसका 1/3, तो ये क्या हो गया 16, तो ये संख्या आपकी आ गई 16, तो ये √60। अब 16 का आपको पता 4 हो गया, तो 24 में से 4, और इस तरफ हो गया एक्स क्यूब बटा 17, तो 24 20 20 और 17 को करोगे 17 × 34 340 इजिकल टू एक्स क्यूब, और एक्स इजिकल टू 340 का क्यूब रूट। अब आपको पता है कि अब इसमें आप देख रहे हैं कि 10 का हो नहीं सकता, 3 का हो नहीं सकता, 0 का यह है नहीं, तो ऑब्वियस अगर आपको 343 ध्यान भी नहीं है तो भी आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपको पता चला कि 340 का क्यूब रूट है वो वैल्यू है, अब 10 का तो क्यूब रूट ही 1000 होता है, और 15 पे तो जाने की जरूरत नहीं है, 3 का 27 है तो किसका है 7 ही है, मतलब आपको ध्यान भी नहीं है तो भी आप टिक कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, 21.5% ऑफ 1001 और इसका क्यूब रूट प्लस 43% ऑफ 599 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 18 26 30 22 33, ये इसके ऑप्शंस हो गए। थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है, बहुत ज्यादा तो इसमें आपके नहीं है, 18 और 22 में देखें तो एक एक डिजिट की ही आपके पास है, अगर 20 आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई मैं 18 की तरफ जाऊं या 22 की तरफ जाऊं, तो 21.5% ऑफ 1001। तो सबसे पहले अगर मैं इस संख्या को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको ये भी ले सकते हैं 1001% ऑफ 21.5 पे एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, ये तो अपने चेंज कर सकते हैं, इससे वैल्यू में फर्क नहीं पड़ सकता पड़ेगा, तो 1001% ऑफ 21.5, 1000% 21.5 का कितना होगा भाई 100% ये खुद है, 1000% इसका 10 गुना, तो 10 गुना कितना हो गया 215, और 1% कितना हुआ, वो छोटी संख्या है आप इस 1% को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आपकी 215 आ गई, तो आपके पास क्या आ गया 215 का क्यूब रूट। तो अब आपको पता है कि 6 का क्यूब 216 है, तो ये तो वैल्यू 6 आ गई, आप इसको 6 भी लिख सकते हैं। देन इस आगे वाले को आप करेंगे तो 43% ऑफ 599 या 599% ऑफ 43, तो 599% ऑफ 43 को अगर मैं राउंड ऑफ 600% करूं तो 43 को 6 से गुणा करना है, तो 6 से गुणा करने के लिए 40 + 3, तो 6 × 24 240 और 6 × 3 = 18 258, तो 258, तो ये संख्या आपकी क्या आ गई दूसरी 258 और उसका आ गया 1/2 पावर।
और यही आपकी वैल्यू। तो आपको दिख रहा है ये तो 6 होगी, 258 कितना, 16 16 256, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट 16 ले सकते हैं इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 22, 22 पे टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या है, 10,200 है उसका स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3615 से और माइनस 43.96 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मान लें 64.105 का स्क्वायर। एक आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको एक 43.9 से ऊपर के या 0.1 के आसपास के जब भी वो आपको स्क्वायर्स या क्यूब देता है तो आपको निश्चिंत होके आप उसको होल नंबर की तरफ राउंड ऑफ कर लीजिए, वो ये मान के चल रहा है, उससे आपके आंसर पे कतई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करें, 10,200 है, अब आपको पता है कि 100 का क्यूब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 गुणा 100 क्या होगा 10,000, और ये 10,000 से 200 ज्यादा है, तो इसको आप क्या मान सकते हो अप्रोक्सीमेट 101 मान लिया, गुणा 3615 है, अब आपको पता है कि 60 का स्क्वायर 3600 है तो इसको आप 60 ही मान लीजिए, माइनस अब ये आपका आ गया 44 का स्क्वायर और इसको इस तरफ लेके आओगे तो 64 प्लस का हो गया, तो ये हो गया 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, 64 का स्क्वायर करेंगे 44 का स्क्वायर करेंगे, अब उनको घटाए बढ़ाएंगे तो गलती की संभावना ज्यादा रहेगी, तो 101 को 60 से मैं गुणा करूंगा तो इसको 100 प्लस 1 मानूंगा, 100 से 60 को करूंगा तो 6000 आ गए और 60 और जुड़ गए 1 से, अब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 64 और 44 को मैं जोड़ूंगा तो आगे 108 और घटाऊंगा तो आगे 20 इज इक्वल टू एक्स। अब 108 से 20 को गुणा करने के लिए आप ये तो 6060 आ गए, इसको करने के लिए 100 प्लस 8 मानो तो ये तो आ गया 2000 और 8 से करूंगा तो 160 इज इक्वल टू एक्स, इससे गलती नहीं होगी और जल्दी हो जाएगा, ओरली भी कर लेंगे आप, मैं तो लिख लिख के कर रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस करें ओरली होने लग जाएगा, 6000 2000 8000 8060 6160 सॉरी 8100, 6000 2000 8000 ये आपके हो गए 8000, 60 और 160 220 तो 8220, तो 8220 के आसपास देख लीजिए 2830 सबसे क्लोज है, आप इसको टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या है, 7 सही 9/13% ऑफ 208 प्लस 16.9 इंटू 304/323 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है 126 का। ऑप्शंस अगर आप देखें तो सबसे नजदीक के जो ऑप्शंस हैं वो 640 और 630, मतलब 3-4 का ही आपके पास गैप है, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आप करेंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर लेंगे, तो इसको क्या करूं फिर मैं 13/97/9 100/13 लिख सकता हूं इसको 100/13, क्योंकि अपने फिर जब अल्टीमेट लास्ट में जब अपन गुणा भाग कर रहे होंगे उस वक्त अप्रोक्सीमेट करेंगे, 100/13% है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो और गुणा 208 प्लस इसको मैं 304 और 323 ये जैसे है 16.9 गुणा 304 और बटा 323, तो ये आप देखें 304 को अगर मैं 300 मान लूं, 323 को अगर मैं 320 मानता हूं, 304 को 300 मानता हूं तो मैं करीब करीब इसमें क्या कर रहा हूं 1% का रिडक्शन कर रहा हूं, 1% का मैं इसमें कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, मैं एग्जैक्ट के पास ही हूं, 30/32 तो ये कितना हो गया 15/16 मतलब 95-96% के आसपास ये चीज आ गई, तो 95 इसमें 4-5% अगर मैं घटाता हूं तो करीब करीब 16 आ गया, इस पूरी रामायण को मैं आपस में कैंसिल आउट करके और इसको राउंड ऑफ में कर सकता हूं 16 के लिए, राइट आगे अंडर रूट एक्स है और प्लस 126 का आपको पता है 5 का क्यूब 125 है तो इसपे तो 5 आप मान ही सकते हैं, तो अंडर रूट यहां क्या पोजीशन बनी 100 से 100 कट गया, 13 से मैं अगर देखूं 13 एकम 13 और 13 से 78 16 हो गया, 16 और 16 32 हो गया, 32 में से 5 चले गए, 32 माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अब आपको 27 का स्क्वायर ध्यान है तो सबसे बढ़िया है और नहीं है तो क्या करें आप, थोड़ा जैसे आपको 25 का तो ध्यान होगा, अगर बाय द वे आपको उस वक्त ध्यान नहीं है तो आप कैसे टिक कर सकते हैं, इसके लिए क्या करें 26 का आपको पता है 25 का 625 है तो 625 है तो नहीं तो 25 ये 640 आंसर है, नहीं 630 आंसर है और नहीं 680 आंसर है, तो 700 और 730 में ही है आंसर, तो हालांकि 27 का स्क्वायर है वो 729 है और 729 से 730 को आप
और एक चीज मैं फिर आपको बताऊंगा कि कम से कम 40 तक के स्क्वायर जरूर याद करें, कम से कम क्यूब्स भी आप 20 तक के क्यूब याद करें, बहुत अच्छी आपको हेल्प होगी इस चीज से। और ये जो चीज आपने देखी है 304/323, ये आप अप्रोक्सीमेशन के प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर 95-96% से ऊपर का है तो आप इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट करके उसको स्लाइटली लो कर लें, बस भाई जितना 95-96 है तो 4-5% का इसमें कम कर लें। आपको पता है 17 का 4-5% कितना हुआ, 0.85-0.9 के आसपास तो सोलह हो गए, राइट। और जब भी इस तरह के डिवीजन वालों को आप करें तो दोनों को ही क्या करें, या तो दोनों अपर साइड में लेके जाओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या दोनों ही लोअर साइड में लेके जाओ। और कोशिश करो कि जितने परसेंट से आपने, ये नहीं कि इसमें मैंने दो बढ़ा दिए, इसमें अगर आपने ऊपर संख्या ही 12 है, 12 में अगर 3 बढ़ा दिए 15, तो 12 में 3 तो आपने 25% बढ़ा दी, और नीचे जैसे 200 था, 200 को 205 और 200, तो वो पता चला 1-2% ही बढ़ा है। तो परसेंटेज वाइज देखें, इसमें 304 को जैसे अगर मैं 300 मानता हूं तो इसमें मैंने 1% का रिडक्शन किया, और 323 को अगर मैं 320 करता हूं तो भी ऑलमोस्ट 1% का ही रिडक्शन है, क्योंकि वैल्यू दोनों के आसपास एक ही है। तो आप राउंड ऑफ बराबर की संख्या से कर ले, जैसे इसको भी 3-4 से किया है तो इसको भी 2-3 से ही इसको करें, क्योंकि वैल्यू करीब करीब एक जैसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप ये देखें कि ये 90% से ऊपर की संख्याएं हैं, मतलब करीब करीब 90% इनकी वैल्यू आ रही है, तो तुरंत कैंसिल आउट कर ले, या 105% आ रही है तो भी कैंसिल आउट कर ले, और उस संख्या को अपर या लोअर साइड में अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ कर ले, बहुत फास्ट होता है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, 6-7 क्वेश्चन आपके लिए, जो आप पे इनकी आप प्रैक्टिस करें और बताएं कि इनमें आपने क्या आंसर सही निकाला, गलत निकाला। अगर किसी को आंसर की जरूरत पड़े तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको बता दूं। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और अगर किसी दूसरे और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें लिखिए, हम आपको वो देने की कोशिश करेंगे। कमेंट रेगुलर करते रहिए, आपके कमेंट्स ही चैनल में इंप्रूवमेंट लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।